मेरे मवेशी पाल पैनों के भराओ मैं अपना लाइफ स्टॉक पे डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करता हूँ तो संघ की रहती निशा पर कुकरियां ना शेड देता गया जिसे पांच कुकरियां तो एक कुकर शामिल है जे कद तुसन की भी ए कुकरियां लभिया तो थोड़े ही ऐसे बाद वो अंडे देने पर आई जासन सदियों साल तो दही मेहरबानी असने दही मौसे ना बू अहम हिस्सा रही है तो कुकरियां लोग पहले शोका से पालना सा पर वक्त ने नाल नाल ए जरूरत भी बन गया क्योंकि पाकिस्तान प्रोटीन में कमी ना बू शिकार है ते इधर बच्चा ने नशो नुमा इस प्रोटीन की कमी की वजह तू मुनासिब ते आली मियार पर नहीं हो सकनी इसी आसे हुकूमत की तरफों ए यूनिट दिते गए ते कदे तुसा ने करां कि भी ए यूनिट आए ते थोड़ी ऐसे बाद तुसा नियां कुकड़ियां अंडे देने पर आई जासन जो तुसा नियां कुकड़ियां अंडे देने पर आई जावन ते दो तरीके हो सकने या तुसा ओ अंडे खाई छोड़ो ते ओ प्रोटीन की जरूरत की खुराक पूरा करसन ते कदे तुसा उन्हां अंडियां चो चूजे कढ़ाना चाहो ते तुसा उन्हां अंडियां की कुक मुर्गी में थले रखो कुक मुर्गी में थले अंडे रखण आसे तुसा अंडियां की सिलेक्शन करनी पैसे इसकी वजह यह है कि कई दफा असा सही अंडे कुक मुर्गी में थले नहीं रखने हैं ते उन्हां चो चूजे भी नहीं निकलने ते ना ही ओ कुक मुर्गी में थलों निकलने तो बाद खाने काबिल रहे ऐसे तुसा ये पकड़ा कि अंडे ना बू छोटे ते गोल होवन ना उन्होंने छिलके पर बू मोटे दाने होवन अंडे बू वड्डे ते मोटे छिलके वाले भी नहीं होने चाहिए बारीक छिलके वाले ते सुराख वाले अंडे भी सिर्फ मुर्गी में खिले ना बू लंबूतरे होवन ना अंडे ना छिलका टूटे जाओगे अंडे की शक्ल भी खराब नहीं होनी चाहिए यानी कि अंडा बून नुकीला भी ना हो बेजरी एयत आला साफ रंगत ते साफ छिलके आला मुनासिब अंडा तुसा कुक मुर्गी में थले रखो जब तुसा कुक मुर्गी में थले अंडे सिलेक्शन तो बाद रखी छोड़े तो 7 से 8 दिन तो बाद एक साइंसी तरीका होना जिसकी कैंडलिंग आती और तुसा करा पर ही करी सकने हो एक तेज टॉर्च वाली रोशनी ना मोबाइल की नहीं के तुसा कदे अंडे ने छिलके नाल जोड़ी के रखो तो तुसा की पता लगी गशना के अंडे ने अंदर चूजे नी अफजाइश होनी पी या के अंडा अंदरों खाली आ जेड़ा अंडा अंदरों खाली हो सी ओ भी तुसा की नुमाया दिस सी ते जिस अंडे ने अंदर चूजे नी अफजाइश होनी पी हो सी उसने एक कोने अपर एयर सैक यानी के अवानी थैली बनी हो सी ते दुए कोने पर उसे चूजा भी तुसा सी दिखाई दे सी जिन्हें अंडिया च अफजाइश होनी होवे उन्हें की दोबारा कुक मुर्गी में थले रखो ते उस तो बाद इंतजार करो जदों कुदरती लिहाज नाल अंडिया चो चूजे निकली आ तुसा उन्हें चूजियां की अलादा करो ते जिन्हें अंडिया चो चूजा आपे ना निकली सके उस छिलके तो कदे भी चूजा आपे अलादा ना करो उसकी वकत दो आपे अलादा हो जासी जे कदे उसकी जिंदगी हो गए चूजे सही सलामत अंडिया चू निकली अखन उन्हें की तुसा अखबार पर बारीक दाना पाई के खुराक देव ते ओ अखबार अपरों दाना चुगना शुरू करी दे जिस कमरे तुसा ओ चूजे रखो उसना दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए जे कदे दर्जा हरारत बू घट हो सी ते सारे चूजे आपस कंकटा बनाए के इकट्ठे हो जा सन जे कदे उस कमरे में दर्जा हरारत बू ज्यादा हो सी ते चूजे फैलने इधर उधर दोने दिखाई दे सन
اس طریقے نال تساں اپنے گھراں چ مرغیاں دی افزائش کری سکنے ہو تے ساڈے معاشرے چ موجود پروٹین دی کمی کی تساں اپنے گھراں چ گھریلو مرغبانی نال پورا کری سکنے ہو. اس طرح اساں تاریخی جڑا گھریلو مرغیاں پالن دا رواج ہے اس کی ساڈے محکمے دی طرفوں تساں فروغ دے سکدے ہو. رہنمائی آسے رابطہ کرو 0800-0000-9211.